क्या आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। बात करें अगर आंकड़ों की तो हर वर्ष लगभग 1.5 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार बनते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा लोग पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु के हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे फल के बारे में जिसके नियमित सेवन से आप हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बच सकते हैं। यह एक ऐसा फल है जिसकी दुनिया भर में लगभग 1200 से ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं। सो हाय गाइस, दिस इज नीतीश गुप्ता और स्वागत है आपका मेडिसिन फ्री इंडिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं तरबूज के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स। सो वाटरमेलन इज अ ट्रॉपिकल फ्रूट और यह बिलोंग करता है क्यूकरबिटेसियाई फैमिली को। वेस्ट अफ्रीका से इसकी शुरुआत हुई और चाइना इसका नंबर वन प्रोड्यूसर है, जबकि भारत का स्थान यहाँ पर 25वें नंबर पर आता है। सो वाटरमेलन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर 92% से ज्यादा पानी पाया जाता है और एक तरबूज को ग्रो होने में लगभग 90 दिन का समय लगता है। तो आइए नजर डालते हैं इसकी मेजर न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में। तो इसकी 100 ग्राम की सर्विंग में 30 है कैलोरीज, 11% पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी पाया जाता है 13% और कार्ब्स हैं 8 ग्राम। आइए बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो इसका जो नंबर वन हेल्थ बेनिफिट है, ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखता है। वाटरमेलन में एक तरह का नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड पाया जाता है जिसका नाम है सिट्रुलिन। तो सिट्रुलिन क्या करता है? सिट्रुलिन हमारी बॉडी की मदद करता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने में। सो अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड इज अ गैस मॉलिक्यूल जो हमारे ब्लड वेसल्स के चारों तरफ टाइनी मसल्स को रिलैक्स करता है और चौड़ा करता है हमारी आर्टरीज को, जिससे होता क्या है कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और लेवल पे रहता है। अगर आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो उनकी डाइट में आप सप्लीमेंटेशन ऐड करें तरबूज का, जिससे उनका ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में रहेगा। बात करते हैं इसके सेकेंड हेल्थ बेनिफिट की, जो कि है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये हमारी बॉडी की एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे सेल्स इंसुलिन के रेजिस्टेंट हो जाते हैं, इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसे टाइप 2 डायबिटीज भी कहते हैं। इस कंडीशन में होता ये है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई चला जाता है। कई स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि तरबूज और आर्जिनिन के इनटेक इस रिस्क को कम करते हैं। थर्ड जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है रिड्यूसेस मसल सोरनेस आफ्टर एक्सरसाइज। मसल सोरनेस के बारे में तो आप सभी को पता होगा, यह एक ऐसी कंडीशन होती है जब आप हैवी वर्कआउट करते हैं उसके बाद जो हमारे शरीर में पेन होता है उसे कहते हैं सोरनेस। ये काफ़ी दिनों तक रह सकती है। एक स्टडी में यह पाया गया है कि वाटरमेलन का जूस इस सोरनेस को कम करने में मदद करता है। फोर्थ जो इसका हेल्थ बेनिफिट है वो है अस्थमा प्रिवेंशन। तरबूज में हाई एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी होने के कारण यह आपको अस्थमा से बचाव में मदद करता है। बात करते हैं इसके फिफ्थ हेल्थ बेनिफिट के बारे में। तो तरबूज में एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम है कोलिन। कोलिन मदद करता है हमारे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम को अच्छी तरीके से फंक्शन करने में। आइए बात करते हैं इसके सिक्स्थ हेल्थ बेनिफिट के बारे में, जो कि है डायरेटिक प्रॉपर्टीज। तरबूज में एक डायरेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। डायरेटिक मींस आपके शरीर से एक्सेस वाटर या सॉल्ट को निकालना, जिससे आप पतले और स्लिम ट्रिम दिखाई दे सकें। लोग इसके लिए कई तरह का डायरेटिक ड्रग यूज करते हैं जिसके कई तरह के साइड इफेक्ट्स हैं। 2014 में माउस पर की गई एक स्टडी में पता चला कि तरबूज भी एज अ डायरेटिक इतना इफेक्टिव होता है जितना कि फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड एक तरह का ऐसा ड्रग है जिसका काम बॉडी से एक्सेस वाटर और सॉल्ट को निकालना का होता है। बात करते हैं इससे जुड़े प्रिकॉशंस के बारे में। तो कई स्टडी में ये पाया गया है कि तरबूज को रात के समय नहीं खाना चाहिए। आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो तरबूज को रात में इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ एसिडिक कंटेंट और वाटर पाया जाता है, जो कि हमारे डाइजेशन को स्लो कर सकता है और अफेक्ट कर सकता है। जो इसका सेकंड रीज़न है वो है हाई अमाउंट ऑफ शुगर।
रात के टाइम शुगर इंटेक से, हालांकि वो नेचुरल है, पर शुगर इंटेक से ये आपका वजन बढ़ा सकता है। आप इसको दिन में खा सकते हैं, पर याद रहे तरबूज खाने के 30 से 45 मिनट के बीच में पानी बिल्कुल ही ना पिए, क्योंकि ये आपके डाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन वाटरमेलन के बारे में। आगे इसी तरह की और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए मिशन मेडिसिन फ्री इंडिया। अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, दवाइयों से और बीमारियों से दूर रहिए। थैंक यू।